ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇ What kind of gas you putting in your system? Nutrition theek kare. India top par hai health problem mein. Death rate mein. Fitness mein hum koshish kar rahe hain because expo. Abhi to expo, first expo in Delhi. First in 2018. Haan, aane wale 10 years, 10 saal mein bahut time change hoga, we know. You guys might be future of India. Lekin ghar walon ka bhi dhyan rakhna zaruri hai. अपने आप को हेल्दी रखें इनसाइड बहुत ही जरूरी है गोल अचीव करना इंडिविजुअल फैमिली को साथ लेकर चलना उनको ठीक करना वो भी बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक के घर के अंदर डायबिटीज है कोलेस्ट्रॉल है ब्लड प्रेशर है कभी सोचा किसी ने मैं उसके बारे में सोचता हूँ मैं उसी चीज के बारे में सोचता हूँ इंडिविजुअल गोल्स के बारे में नहीं सोचता हूँ आपको सोचना पड़ेगा मैं थक जाऊंगा जल्दी अपने घर को ठीक करने के लिए आपने सोचना है यहां पर एक इंडिया का सिस्टम बहुत टेढ़ा है आई डोंट वांट टू टॉक सो मच क्योंकि सुनने वाले बाहर से आए हैं उनको बताने नहीं चाहता बहुत चीजें हैं यहां पर सामने बैठे हुए हैं डबल टॉप पर सो आप एक गोल सेट करें जो जरूरी है क्या आपने बनना है किसी गलत एडवाइस से बचे जो आपको एडवाइस दे रहा है गलत वो आपका दोस्त नहीं है कीप इन माइंड जो आपको डीमोरलाइज कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं है उसको साइड पर रखें यहां से सुना यहीं से निकाल दिया ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु डीमोरलाइज यू गिव यू नेगेटिव इंफॉर्मेशन और वही इंफॉर्मेशन आप आगे पास कर देते हैं आपके घर दिमाग के अंदर घर करती है वो जगह बचे उन चीजों से मैं कल बता रहा था यहां से सुना यहीं से निकाल दो यहां से अंदर ब्रेन को हिट हुआ वहम मिथ्स उसके शिकार है यहां पर लोग मैंने अपना काम ग्राउंड लेवल से शुरू किया था कोई मुझे जानता नहीं था मैं एक एक बंदे से मिलता रहा हूँ 2010 से अभी शेरू क्लासिक 2011 में शुरू हुआ स्टार्ट 2010 बहुत लोगों से मिला हूँ बहुत लोगों से अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे नाम वाले बंदों ने सभी ने थम्स डाउन दिया मुझे कि फिटनेस की बात कर रहा है फिटनेस इन इंडिया नो नो लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड एंड क्रिकेट बिकॉज फिटनेस देयर इज नो स्कोप ये मैं सुनता रहा हूँ बैक इन 2010 I got failed 10th, 11th, 12th, 13th. Teen charts, I'm doing my part for the community. Living in California, I'm doing my part this year. मेरे घर वाले बोलते हैं ये स्टूपिड अरे पागल है क्या कहाँ जा रहा है कहाँ इंडिया कहाँ तुम बैठे यहाँ पर कोई वापस जाता है मैं कब शायद लाखों करोड़ों में से हो हूँ जाना चाहता हूँ वो पागलपन किसी ने नहीं देखा मेरा आप लोगों ने 13 के बाद देखा होगा उससे पहले कुछ नहीं देखा किसी ने आप तो पोस्ट देख लेते हो यूट्यूब देख लेते हो इंस्टाग्राम देख लिया वो चीजें डिफरेंट है उसे पहले कभी नहीं देखा आप लोगों की तरह शायद मैं भी वहां से आता था तो बिजनेस करने नहीं आता था मिलने आता था बात पहुंचाने आता था कि जो आने वाली जनरेशन है आप लोग उन तक मैसेज पहुंचे स्टे हेल्दी धरतिया इज द सेकेंड ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड किड्स में बहुत बुरी हाल है और अंडर वेट की बात करें इंडिया अगेन ऑन टॉप बोथ साइड वी दैट कुड बी मॉल न्यूट्रिशन वी नो दैट जो लोग अफोर्ड करते हैं अच्छा खाते हैं उनको तो सही खाना चाहिए किस चीज का एक्सक्यूज करते हैं आप प्राइस देखते हैं सस्ता है ले लिया क्वालिटी जब चीज बाय करते हैं ना वो अपने लिए करते हैं 10-5 रुपए का फर्क नहीं होता लेटर ऑन यू एक्चुअली मेसिंग अप आज से 10 साल बाद की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी हॉस्पिटल के अंदर मजबूरी से बोलना मतलब मजबूरी और मजबूरी थी ये थी कि आप लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया तो मुझे एक ऐसा सोशल मीडिया पे करना था यहाँ से मैं खुद बात कर पाऊँ और वो कर रहा हूँ आज तो आज मुझे बाकी चैनल्स की जरूरत नहीं है कल आई हैव अ मीटिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड आई एम गोइंग टू गिव माई प्लान हाउ वी कैन ब्रिंग मोर गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स
अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सोचिए क्या है लाइफ में। ऐसा टाइम आता है जब आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं दिखता, आप लगता है कि आप आपके पास यू नो हैव मनी, यू हैव टू बिल्ड, यू हैव बिल टू पे, रिलेशनशिप इश्यू, जॉब इश्यू, बिजनेस फेलियर, सो मेनी अदर सेटबैक्स यू हैव। व्हाट आर यू गोना डू? आर यू गोना स्टार्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग एंड And my speech postponed yesterday, कल थी, रात हुई, आज भी हुई है, लेट ऑन, इसीलिए lot of people waiting at the left, I know. Just apologize for that. Because this event, the bodybuilding and all these, more important than my challenge, my basically. I know that. Coming, taking time out, Friday, Saturday, Sunday. I will try to come again, Delhi, next year. And stay healthy.